वो राज्य सरकार को तय करना है कि किस तारीख से लागू करेंगे, कब उसकी घोषणा करेंगे। समिति ने अपना काम पूरा कर लिया। हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। पूर्व मुख्य सचिव और यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में बनी यूसीसी नियमावली समिति ने अपनी रिपोर्ट आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मिल जाने से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने का रास्ता खुल गया है। बता दें कि समिति ने यूसीसी के 4 संस्करण बनाकर सरकार को सौंपे हैं। राज्य सचिवालय में सीएम धामी को समिति के सदस्यों ने ये रिपोर्ट देते हुए कहा कि उनका काम पूरा हुआ, अब आगे सरकार को इन नियमों को इम्प्लीमेंट करना है। समिति ने अपना काम आज, जैसा आपको पता है, पूरा कर लिया है। अब राज्य सरकार की अपनी प्रक्रिया होगी। जो कोड बनना था, रूल बनना था, वो सारे काम समिति ने अपने तरफ से पूरा कर लिया है। फिर अब माननीय मंत्रिमंडल के सामने जाएगा, फिर उसको लागू किया जाएगा। काम समाप्त हो गया हमारा। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा प्रदेश में। वो राज्य सरकार को तय करना है कि किस तारीख से लागू करेंगे, कब उसकी घोषणा करेंगे। समिति ने अपना काम पूरा कर लिया। सर, ड्राफ्ट सौंप दिया है? जी हाँ, ड्राफ्ट सौंप दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिपोर्ट के लिए समिति की सराहना के साथ ही इसे बेहतरीन और ऐतिहासिक कार्य बताया। 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है। और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियां हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे। सर, क्योंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है तो क्या उससे पहले यूसीसी लागू हो सकता है उत्तराखंड? अभी हम मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं और मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद उस पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, इसके रूल्स में कोई चेंजेस किए गए हैं या कुछ और एड ऑन किया गया है? देखिए, चूंकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हो, ऐसे कई चीजें लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं, वो सारे के सारे आप घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। सर, आपने कहा महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद? नहीं, महिलाओं का ये हमारा पूरे देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए पूरा कानून है। उनका सशक्तिकरण भी होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।